लुगाई गे एक बेली हुई सेटिंग धनी हमजा ना दिनो तो ही बेली हूँ रही को नहीं बातों करती धनी रात को होड़ लेन गयो गुन लड़न वाले बाड़े के बार बेली हैंजी मौसे मत हूँ तो जो ही कौन के नीच ले पाए कन पटीक मौत ठोकियो। दोस्तों आज लाए हूँ बाड़मेर जिले के रामसर थाने की एक मोटी घटना जित एक बेली और बेलन गए बेली पाहा और बेलन गए धनी ने ठा पड़ गयो की बेलन बेली हूँ बातों करे है ना भी बेलन ने हम जई गणी के भाई तू बेली बात मत करनो हूं बैठो जेड़े ने बेलन के सुसको पड़ूडो जो को रही बेलन रही को नहीं बेली बात करी जिना धनी ने आई री और धनी रात रो गयो बेली रे घरे बेली तो गुंदाड़े पाड़े गए मो बे तो धनी जाए न भी बेली के कौन गए नीचे कन पटी मो अगड़ो भसीड़ बजायो भसीड़ बजाया बेली उगे बेती ढेरी। तो ई बात ने आज बाड़मेर के मोटुड़ा साहब एक प्रेस नोट जारी की हो भी प्रेस नोट के मो मोटुड़े साहब बतायो कि बाड़मेर जिले के मो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की वजह हूँ आए दिन डेली घटना हो रही है और लोगों का परिवार टूट रहा है और लोग समझ नहीं रहा इन्हें। बाड़मेर वाले मोटुड़े पुलिस का जगह साहब आप आज प्रेस नोट जारी कर बतायो कि भाई बाड़मेर जिले के मौ सोशल मीडिया का जगह इंस्टाग्राम के प्रभाव घना घना परिवार टूट गया और हादसा हो रहा है लगातार। तो थाने बताए दो कि बाड़मेर साहब ने जी आज छा पड़ियो है और तगू राजता ने आज 2 साल पहला ही कह दियो कि भाई सोशल मीडिया के और इंस्टाग्राम के वजह हूँ मेरो परिवार टूटो है और ई बात ने लोग और महिलाओं अपने एतबार मेरे मौत देखा देखी ज्यादा हुए और लोग ही घमुड़ी ने देख देख इंस्टाग्राम मत अवेला और सोशल मीडिया मत अवेला देखा ही कद कर परिवार टूटेला। आ बाद में 2 साल पहला आज बता दी कि भाई सोशल मीडिया की वजह हूँ मेरो भी परिवार टूटो है और घनौरो टूटी क्योंकि हरुआत आज 2 साल पहला हुई लेकिन आप लोग मेरी बात होनी को नहीं कि भाई तगू राजनी के झूठो होवेला या गलत है या कहीं है कहीं नहीं आप की करी बात ने समझी या मेरे समझाने में कमी रही या आप समझने में कमी रही लेकिन इस टाइम लोगों ने मेरे को गलत बताया और आज हर मोह ले गए मोह एड़ी घटना हो रही है इंस्टाग्राम की रीलों बनावे बहना आई जे पोस्ट पोस्ट बया माओ ना आई दो दो माओ ना आई जे आई दिन घटना घटित हुए बेली बेलन पकड़ी जे रोज ठोकी जे रोज करे। तो दोस्तों आज वो सारा थे लोग और सपोर्ट का फाल निकला। तो दोस्तों बाड़मेर के अंदर सोशल मीडिया ने विकराल रूप धारण कर रखा है आए दिन सोशल मीडिया इंस्टाग्राम की वजह से लोगों के परिवार टूट रहे हैं और बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं और लोगों की जानें जा रही है। आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले फलौदी के अंदर एक बड़ा हादसा हुआ था अनु प्रकरण तो वो भी एक इंस्टाग्राम की रीलों को लेकर और सोशल मीडिया को लेकर एक दूसरा पति पत्नी आपस में विवाद हुआ था जिसकी वजह से पूरा परिवार टूट के नष्ट हो गया और अब सोशल मीडिया ने बाड़मेर के अंदर अड्डा जमा रखा है पूरे बाड़मेर को तहस नहस करने की कंगार पर है। अभी समय रहते हुए दोस्तों अपन नहीं एक्टिव हुए हर समाज से मेरी अपील है कि सोशल मीडिया के ऊपर नजर रखें और जिनके परिवार टूट रहे उनसे भी मेरी अपील है इनके चक्कर में सोशल मीडिया के चक्कर में नहीं आए क्योंकि सोशल मीडिया इंस्टाग्राम ऐसी चीज है इसके ऊपर फिल्टर लगा के तो अपना ओरिजिनल चेहरा होता है वो दिखता नहीं है और लोग फिल्टर लगा के एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं। हाल ही में एक जैसलमेर वाली घटना आपने सुनी होगी फतेहगढ़ वाली घटना जो 5 बच्चों की माँ थी और उसने और उस जो एक सिंगर था दोनों ने फिल्टर लगा के एक दूसरे को चकमा देने का प्रयास किया क्योंकि दोनों एकदम आपको जो उसका ओरिजिनल रूप है ओरिजिनल चेहरा है वो तो आपके सामने आ चुका है और एक 5 बच्चों की माँ है और एक कुंवारा है एक सिंगर है एक रीले बनाती है। अब दोनों का जब फिल्टर लगा हुआ सहरा था तो दोनों के एक दूसरे के बीच में प्यार होगा जब दोनों और ओरिजिनल सामने आए तो एक दूसरे को मालूम पड़ा कि एक 5 बच्चों की माँ है और एक कुंवार है। तो मेरा इस सोशल मीडिया के मार्फत मैंने वैसे आज से 2 साल पहले अपील की थी कि भाई देखो मैं सही हूँ और लोग सही का सपोर्ट नहीं करते हैं और लोग मजे लेते हैं इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे आके जो डांस वगैरह करते हैं या अपने घर की बीती बातें बताते हैं तो उन लोगों का सपोर्ट करते हैं। यह आज से 2 साल पहले जो कहानी स्टार्ट हुई थी सोशल मीडिया जो बाड़मेर में पनपा था आप सब लोगों को पता है कि किसने पनपाया ये घमूड़ी है चित्रू है चित्रू की मम्मी है पापा है ये लोग इस सोशल मीडिया को बाड़मेर के अंदर लेके आए थे और सभी भोली भाली महिलाओं को इस सोशल मीडिया के बहकाव में धकेला।
आज बाड़मेर कहाँ जा चुका है, सोशल मीडिया से परिवार बर्बाद हो रहे हैं, बाड़मेर बर्बाद हो रहा है। और आज हमारे बाड़मेर के जो पुलिस के बड़े अधिकारी है उन्होंने प्रेस नोट जारी करके बताया है कि इस सोशल मीडिया की वजह से बाड़मेर के अंदर आए दिन घटनाएं घटित हो रही है और लोगों के परिवार टूट रहे हैं, तो इसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। जैसे भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने पहले टिकटॉक के ऊपर प्रतिबंध लगाया था, वैसे का वैसे इंस्टाग्राम के ऊपर मेरी अपील है कि प्रतिबंध लगना चाहिए ताकि लोगों के घर टूटने से बच सके। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना, और गलत का साथ मत दो, सही का साथ दो। और लोग जो गलत कमेंट कर रहे हैं उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ कि आप गलत कमेंट मत करो। हमें पता है जिसके साथ घटनाएं घटित होती है वही लोग जान सकते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से परिवार टूटने पर कितना दर्द होता है, और वो आप लोगों को, आम लोगों को पता नहीं। अभी तो आपको मजाक ले रहे हो इंस्टाग्राम को, सोशल मीडिया को, आने वाले वक्त एक दो साल बाद देखना, अभी तो हर मोहल्ले के अंदर ये जहर फैल चुका है सोशल मीडिया का, और आने वाले दो साल बाद हर घर के अंदर ये जहर फैल जाएगा और हर घर टूटने की कगार पे आ जाएगा। तो दोस्तों, बुरा लगे तो सॉरी, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं तो भला आदमी हूँ, जो होता है वो सही कर देता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।